अब तक आपने निजी अस्पतालों की मनमानी के कई केस सुने होंगे और डेड बॉडी को लेकर जो घमासान हर बार मचता है उससे भी सभी वाकिफ हैं। अब जो बिल सरकार ला रही है उसे गरीब जनता को एक बार फिर सरकार पर भरोसा जगता है कि अब उसके साथ नाइंसाफी नहीं होगी, उससे भी इलाज सुलभ प्राप्त होगा। जनता और निजी अस्पतालों के बीच जो खाई बनती जा रही है, राजस्थान सरकार उस खाई को पाटने की कोशिश में है। राजस्थान सरकार ने राइट टू हेल्थ बिल का ड्राफ्ट जारी किया है। बिल के जरिए सरकार प्राइवेट अस्पतालों की ओर से की जाने वाली मनमानी को भी कंट्रोल कर सकेगी। प्राइवेट हॉस्पिटल संचालक इलाज के दौरान मरीज की मृत्यु होने पर डेड बॉडी अब नहीं रोक पाएंगे। राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार अधिनियम 2022 के नाम से जारी इस बिल के ड्राफ्ट पर स्वास्थ्य विभाग ने आमजन से आपत्ति और सुझाव मांगे हैं, जो कि 24 मार्च तक दिए जा सकेंगे। बिल के अनुसार स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हेल्थ का गठन किया जाएगा। स्टेट लेवल अथॉरिटी का चेयरमैन राज्य का मुख्य सचिव होगा, जबकि सह अध्यक्ष के तौर पर चिकित्सा विभाग के सचिव होंगे। वहीं निदेशक स्वास्थ्य विभाग को इस अथॉरिटी में मेंबर सेक्रेटरी बनाया गया है। वहीं 14 अलग अलग डिपार्टमेंट के प्रतिनिधि बतौर सदस्य होंगे। वहीं डिस्ट्रिक्ट लेवल अथॉरिटी जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में बनेगी। हॉस्पिटल संचालक को सरकार की किसी भी एजेंसी ने रियायती दर या फ्री जमीन का अगर आवंटन किया है और उसे आवंटन शर्त के मुताबिक राज्य के मरीज को इलाज उपलब्ध करवाना होगा। अगर आवंटन शर्त में फ्री इलाज का प्रावधान किया गया है तो प्राइवेट हॉस्पिटल संचालक इलाज के लिए मना नहीं कर पाएगा। इलाज से मना किया तो अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की जा सकेगी। प्राइवेट हॉस्पिटल संचालक इलाज के दौरान मरीज की मृत्यु होने पर डेड बॉडी को रोक लेते हैं। वे तब तक डेड बॉडी नहीं देते हैं जब तक कि मरीज का परिजन इलाज का बकाया बिल पूरा जमा नहीं करवा देता। नए कानून में ऐसे अस्पताल संचालकों पर भी नकेल कसी गई है और इसमें यह प्रावधान किया गया है कि अस्पताल संचालक को हर हालत में मरीज की डेड बॉडी परिजन को देनी ही होगी। इस बिल में प्राइवेट हॉस्पिटल को ऐसे समय में अपना नियंत्रण में लेने का प्रावधान कानून में किया है। सरकार की ओर से कानून के क्रियान्वयन और उसके लागू करने के लिए स्टेट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हेल्थ अथॉरिटी बनाई जाएगी और इस अथॉरिटी को अधिकार होगा कि वे पेंडेमिक के समय चाहें तो प्राइवेट हॉस्पिटल की बिल्डिंग, तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर और वहां काम करने वाली फैकल्टी को अपने अधीन कर सकेगी। इन सभी सर्विस को ये अथॉरिटी अपने कंट्रोल में ले सकेगी। दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें, वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह के अपडेट। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।